दिनेश जी, आज भारत मूवी के सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही कहना चाहेंगे कि हमारे मुकेश तिवारी जी और हमारे भाई सुधांशु जी बहुत अच्छे मैसेज के साथ में ये फिल्म को बनाए हैं, और जैसे ही इन्होंने हमें सुनाया कि हम ये फिल्म बनाना चाहते हैं भारत, और हम चाहते हैं कि आप जो है इसको करें, मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि 100% इसे करना चाहिए, और इसको हम लोगों ने किया है। बहुत अच्छी फिल्म बनी है, पहली मेरी शॉर्ट मूवी है, और कल गणतंत्र दिवस पर रिलीज हो रही है 5 बजे। तो मैं यही सबसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, और जो प्रयास हम लोगों ने किया है, जो कहना चाहते हैं, अगर वो संदेश आप तक पहुँच जाए तो हम सफल हो जाएंगे। मुकेश जी ने कैसा काम किया जब पहला डायरेक्शन कर रहे हैं? बहुत अच्छा। मैं इनके साथ कई फिल्में किया हूँ जिसमें ये सहायक निर्देशक के रूप में काम करते थे। पहली बार इन्होंने खुद डायरेक्ट करके और बनाया है। मुकेश जी क्या कहना चाहेंगे, आज आपकी पहली फिल्म का शॉर्ट मूवी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है? ये सब भैया का आशीर्वाद है, और हम लोग से ज़्यादा भैया ने मेहनत किया है। और आपको बताना चाहूँगा कि जौनपुर से जल्दी 11 बजे रात को यहाँ हवेली में पहुँच के और 3 बजे सुबह तक शूट किए भैया हमारे लिए और इस फिल्म के लिए। तो सबसे ज़्यादा मैं श्रेय भैया को दूंगा कि सपोर्ट किया है, हम पे भरोसा किए कि कुछ करके दिखाना चाह रहा है करो। और सबसे बड़ी सुधांशु जी हमारे प्रोड्यूसर। सुधांशु जी क्या कहेंगे आप? ये फिल्म जात पात धर्म में सब चीज़ से उठकर एक फिल्म है जिसमें एक बहुत अच्छा मैसेज छिपा हुआ है, हमें हमारे भारत को बचाना है, और उसके लिए काम करना, उसके लिए सोचना चाहिए। बस कुछ इसी मैसेज को बताने के लिए शॉर्ट फिल्म बनाई गई है, और बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ दिनेश जी का, जिन्होंने हमसे कोई भी फीस नहीं लिया और इस कॉन्सेप्ट के लिए फ्री में ही किया, और इतना सपोर्ट किया, इतना सारा टाइम दिया, इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल करके दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत। और आपकी एक फिल्म आ रही है ठीक है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? फिल्म ठीक है, और ठीक है, बहुत कमाल की फिल्म है, फैमिली ड्रामा है, हम रूपाली दुबे जी हैं उसमें, और संतोष मिश्रा जी उसके डायरेक्टर हैं, और उसके क्रिएटिव डायरेक्टर मुकेश तिवारी जी हैं। दिनेश जी देशवासियों कुछ कहना चाहेंगे 26 जनवरी के लिए? मैं सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा, और सबसे यही निवेदन करूँगा कि आप लोग एक बार जरूर भारत देखिएगा। मेरे भाई ने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है, और हमारे जो सुधांशु ये भी छोटे भाई हैं, इन्होंने भी हिम्मत दिखाया कि भाई एक व्यक्ति पहली बार निर्देशन करना चाहते हैं तो उनको करने के लिए दिया है, तो इसके लिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग एक बार जरूर देखिए और बताइए कि आपको इनका प्रयास कैसा है। फिल्म में आपका 5 सेट दिखने को दिख रहा है, क्या कुछ पांचों कहना चाहता है? मुझे लगता है कि शॉर्ट मूवी है तो पांचों जो कहते हैं अभी अगर कह दूंगा तो देखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पांचों को जब आप देखेंगे तो आप एक बात समझ पाएंगे कि भारत की सबसे अच्छी बात ही यही है कि यहाँ अनेकता में एकता है, और वो अनेकता में जो एकता है उसे कभी खत्म मत होने दीजिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रायबरेली के सिंहगढ़ पैलेस में चल रहा है, कुछ यहाँ के दर्शकों कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे, एक तो मैं राजा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो आज हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित रहे, और यहाँ पे हम लोग शूटिंग कर रहे हैं कई दिनों से फिल्म की, बहुत सहयोग मिल रहा है, और यहाँ के जो लोग हैं बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सहयोग कर रहे हैं, तो सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।